from our archives, the Billy Graham Classics. अब मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ खोलिए लूका रहस्य सुसमाचार अध्याय 14। लुका अध्याय 14 को हम देखेंगे। एक कहानी मैं आपको बताने वाला था, अब इसे छोड़ देंगे, कल रात मैं आपको वो बताऊंगा। अभी हम सीधा अपने मैसेज में जाएंगे। लुका रचित सुसमाचार अध्याय 14 और वचन देखेंगे 16 से। प्रभु यीशु यहां पर दृष्टांत दे रहे हैं एक बड़े भोज का। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज किया और बहुतों को बुलाया। अब प्रभु यीशु यहां पर एक दृष्टांत बता रहे हैं। प्रभु यीशु ने ऑलरेडी ऐसी कई बातें करी हैं जिसके कारण उसके बुलाने वालों को सर झुकाना पड़ा है। एक दिन प्रभु एक फरीसी के घर में थे और उसने एक इंसान को चंगा किया, और वो सबत का दिन था, और जो कि उनकी नजरों में ये करना गलत था। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम्हारा गधा खाई में गिर जाए तो क्या तुम उसे नहीं उठाओगे? और उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो समझ गए थे कि प्रभु यीशु ने उन्हें पकड़ लिया है। फिर वो एक और दृष्टांत कहानी बताते हैं शादी के बारे में, और इसके बाद वो ये कहानी बताते हैं। लिखा है कि एक मनुष्य ने बहुत बड़ा भोज तैयार किया और बहुतों को बुलाया, और जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा कि आओ अब भोजन तैयार है। तो एक इनविटेशन पहले भेजा जाता था और दूसरा एक और इनविटेशन भेजा जाता था खाना यानी भोजन तैयार होने के बाद कि अब आ जाओ, और ये थोड़ा पर्सनल इनविटेशन होता था। वो आज हमारी तरह नहीं होता था कि जैसे हम टेबल के ऊपर बैठते हैं खाना सर्व होता है, नहीं, वो लोग भाग कर भीड़ में आते थे और देखते थे कि उस जगह पर अपनी शीट लें जहां पर थोड़ा खाना बढ़िया है, या जो बुलाने वाला है उसके पास बैठें जहां बढ़िया वाइन मिले, ये सब कुछ होता था। लेकिन प्रभु यीशु एक भोज के लिए ही आए थे और यहाँ पर बैठे हुए वो एक कहानी बता रहे हैं, दृष्टांत बता रहे हैं एक भोज का, एक बड़ी पार्टी का। तो प्रभु यीशु ये दृष्टांत बताते हैं एक आत्मिक सच्चाई को यहाँ पर बताने के लिए कि एक मनुष्य ने खाना तैयार किया और भेजा कि अब आ जाओ खाना तैयार है, लेकिन वे सब एक एक करके बहाने बनाने लगे। पहले ने उससे कहा कि मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि मैं उसे देखूं, मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जा रहा हूं, तो तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई, तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा कि नगर के बाजारों और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहाँ ले आ। दास ने फिर कहा कि हे स्वामी, जैसे तूने कहा था वैसे ही किया है, फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा कि सड़कों पर और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा, नहीं चखेगा। भोज करते वक्त प्रभु यीशु ये दो दृष्टांत बताते हैं बहुत ही गंभीर सच्चाइयों को जाहिर करने के लिए, क्योंकि इन लोगों की बड़ी खास जरूरत है जिसके बारे में प्रभु यीशु यहां बात कर रहे हैं। मैंने टीवी देखते वक्त एक दिन टीवी के ऊपर देखा एक नया बॉडी स्कैनर, एक नया वाला डिसीज सेल में जो कि वर्चुअल केमिकल चेंजेस होते हैं वो उन्हें देख सकता है और उन्हें मॉनिटर कर सकता है। ये एक ऐसी आंख है जो आपको देख सकती है कि आप कैसे बीमार होते हैं। अब परमेश्वर के पास भी एक स्कैनर है, आज रात वो आपको स्कैन कर रहा है, आपके मन को, आपके दिल को, आपकी आत्मा को, आपकी जान को, और वो देख सकता है आपकी आत्मिक जरूरत को। और प्रभु यीशु आज रात कह रहे हैं कि आपकी एक आत्मिक जरूरत है। पूरी दुनिया अपराधी है, हम सब अपराधी हैं परमेश्वर के नियमों को तोड़ने के। संत पौलुस कहते हैं कि हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन हैं, इसलिए कि हर एक मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे। कोई भी अदालत के दिन खड़ा होकर परमेश्वर के सामने नहीं कह पाएगा कि प्रभु मैंने नहीं वो किया, क्योंकि उसका स्कैनर हमें स्कैन कर रहा है उसी वक्त से जब से हम अपनी माँ के गर्भ में पैदा हुए हैं। परमेश्वर के कैमरे लगे हुए हैं, तस्वीरें और फिल्में बन रही हैं, ना सिर्फ हमारे कामों की वरन हमारे ख्यालों की भी। इंसान अपने नियमों कानूनों को बदल सकता है लेकिन परमेश्वर के नियम कभी नहीं बदलते। लेकिन आप शायद कहें कि मैंने तो परमेश्वर के एक या दो कानूनों को ही तोड़ा है।
अगर आपने एक नियम को एक ही बार तोड़ा तो वचन कहता है कि आपने सभी को तोड़ा है। लिखा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहरा। याकूब अध्याय 2 और उसके वचन 10 में ये लिखा है। फिर वचन कहता है कि लोग मरे हुए हैं, डेड हैं। अफिसियों 2:1 में लिखा है कि जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, हमारी जान, हमारी आत्मा परमेश्वर के सामने ये मरी हुई है। पहला तिमोथियुस 5 में लिखा है कि जबकि हम जिंदा हैं पर हम मरे हुए हैं। शरीर में हम जिंदा हैं लेकिन जो हमारे आत्मा, जो जान है, वो जो हम असल हैं, वो मरा हुआ है। ये परमेश्वर के सामने मरा हुआ है। हम परमेश्वर के सामने मरे हुए हैं, इसीलिए हम एक दूसरे के प्रति भी मरे हुए हैं। और यही कारण है कि युद्ध होते हैं, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। यही कारण है कि हम एक दूसरे के साथ नहीं मिल सकते हैं। हम परमेश्वर के प्रति मरे हुए हैं और जब हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं तो हम एक दूसरे से भी अलग हो जाते हैं। एक बिशप जो कि लूथरन फेडरेशन वर्ल्ड के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझसे कहा कि जब हम मसीह यीशु के करीब होते हैं तो हम लोगों के भी करीब होना शुरू हो जाते हैं। और ये बात कितनी सच है, जब हम मसीह यीशु के करीब आ जाते हैं तो हम लोगों के करीब ही आ जाते हैं। देखो यहाँ पर कितने अलग अलग तरह के लोग बैठे हुए हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले, अलग अलग जगहों से, देशों से आए हुए लोग। ताइवानियन, मैंड्रियन, वेटनामीज, जापानीज, कोरियन, हाँ फ्रेंच वाले भी, अलग अलग जगहों से, अलग अलग देशों से, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग यहाँ हैं। हाँ, यहाँ पर बहुत से लोग स्पेनिश भी हैं और मैं देख सकता हूं कि स्पेनिश लोग सबसे ज्यादा यहां पर हैं। और आप हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं उन सारी चीजों के साथ जो आप यहां पर लेकर आते हैं। अलग अलग जातियों के जो लोग यहां पर हैं, सफेद, काले, हम सब मिलकर एक हैं। हम सब मिलकर एक बड़ा परिवार बना सकते हैं यहां सदन कैलिफोर्निया में, अगर हम मसीह यीशु में हैं तो। लेकिन हम गुनहगार हैं, हम परमेश्वर के प्रति भी मरे हुए हैं और लोगों के प्रति भी मरे हुए हैं। फिर वचन हमसे कहता है कि हम अंधे हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं, इस कलीसिया को यीशु कहते हैं कि तू कहता है कि मैं धनी धनवान हो गया हूँ, मुझे किसी वस्तु की जरूरत नहीं, ये नहीं जानता कि तू अभागा, तुष्ट और कंगाल और अंधा है। ये कलीसिया के लोग जो कि लौदीके की कलीसिया है, प्रभु यीशु इनसे लिख रहे हैं और इनसे बातें कर रहे हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, हम धनवान हैं। लेकिन प्रभु यीशु उनसे कहते हैं कि तू अभागा है, तू तुष्ट है, तू कंगाल है और अंधा है और नंगा है और तू ये जानता भी नहीं है और तेरे लिए ये बड़ी अभाग्य की, बड़ी दुख की बात है। संत पौलुस भी लिखते हैं कि इस दुनिया के ईश्वर ने लोगों की आंखों को अंधा कर दिया जो विश्वास नहीं करते हैं, और इस जगत का ईश्वर कौन है? वचन हमसे कहता है कि वो शैतान है, वही अदन का शैतान जो विरोधी है, लोगों की जो आंखों को बंद करता है, अंधा करता है। मैं इस अंधेपन को नहीं हटा सकता हूं किसी भी तरह की डिबेट, किसी भी तरह की बहस, किसी भी तरह का कोई भी सबूत इस अंधेपन को हटा नहीं सकता है। सिर्फ पवित्र आत्मा ही है जो ये काम कर सकता है। और वचन ये भी कहता है कि क्रूस का संदेश मूर्खता है उन लोगों के लिए जो नाश हो रहे हैं। आप कह सकते हैं उस चीज की बात क्यों कर रहे हैं जो 2000 साल पहले हुई, वो आज मेरी जिंदगी को कैसे प्रभावित कर सकती है? और यही बात शैतान आपसे कहने वाला है और वो चाहता है कि आप इस बात को मान लें। शैतान ने आपके मनों के ऊपर पर्दा डाल दिया है और आपका मन आत्मिक चीजों को ना देख सकता है और ना समझ सकता है। सिर्फ परमेश्वर आत्मा ही आकर आपकी आंखें खोल सकता है। अफिसियों 4:18 में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। आपका मन पाप से प्रभावित है, आप अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, आप अपने जमीर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। आपका जमीर एक कंपास की तरह टूट चुका है, या ये खत्म हो चुका है, या ये ठंडा हो चुका है। परमेश्वर के प्रति आप अपने मन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो किस पे भरोसा करें? आप मसीह यीशु के ऊपर भरोसा कर सकते हैं, फिर वो आएगा और आपके मन को पूरी तरह से बदल देगा, तब्दील कर देगा, आपकी बुद्धि को खोल देगा ताकि आप समझ सकें और देख सकें। और फिर वचन कहता है रोमियो 1:20 में कि उनके पास कोई बहाना नहीं है, दे आर विदाउट एक्सक्यूज। अब कौन कौन से वो बहाने हैं जो मैं सुनता हूं लोग बनाते हैं? चलिए मैं सूची बनाता हूं आपके लिए। और सबसे पहले कई जवान भी और कई बूढ़े भी ये कहते हैं कि मैं बहुत गुनहगार हूं, पापी हूं, मैं पहले अपने आप को सही करूंगा और फिर कमिटमेंट करूंगा। ओके, तो आप कभी भी सुधर नहीं पाएंगे। आपको परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में पता नहीं है। परमेश्वर का अनुग्रह बहुत बड़ा है,
वो गहराइयों में जा सकता है, बदल सकता है। एक दिन की बात है कि एक औरत थी, उसे लाया गया जब मीटिंग खत्म हो चुकी थी, वो हमसे मिलने के लिए आई। इंग्लैंड में ये मीटिंग थी 2-3 हफ्ते पहले जब हम वहां पर थे। वो कहने लगी, क्या मैंने देरी कर दी। हमने कहा, कोई बात नहीं, हम अभी आपके लिए दुआ कर सकते हैं। उसने कहा, नहीं मैं मीटिंग की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि मैं 70-72 साल की हो चुकी हूँ, क्या मैंने बहुत देर तो नहीं कर दी है। नहीं, आप परमेश्वर के पास कभी भी आ सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की परीक्षा ना लें। आज रात परमेश्वर आपके साथ बात कर रहे हैं, तो आइए जब आप आ सकते हैं, क्योंकि हो सकता है दोबारा परमेश्वर बोले और आप शायद उसे सुन ना पाए। आपको फिर से मौका तो शायद मिले, लेकिन हो सकता है आपका दिल उस तरह से तैयार ना हो जैसे कि आज तैयार है। तो परमेश्वर आपसे कह रहा है कि आज आपके स्वीकार किए जाने का टाइम है, आज आपके उद्धार का दिन है। प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए आए। आप अपने आप को खुद धर्मी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि व्यवस्था से कोई भी धर्मी सिद्ध नहीं होता है। अपने आप को बचाने के लिए आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको अपने गुनाहों से पश्चाताप करना होगा, यीशु के ऊपर विश्वास करना होगा, और आपका नाम परमेश्वर के रिकॉर्ड में आ जाएगा। दो तरह की किताबें हैं जो परमेश्वर के पास हैं। एक वो है जिसके ऊपर आपका सारा डाटा है, जब से आप पैदा होते हैं आपकी बात, आपके काम, सब कुछ इसमें लिखा हुआ होता है। और जिस वक्त आप मसीह यीशु को स्वीकार करते हैं, तो आपका नाम इन किताबों से हटाकर मेमने की किताब में लिख दिया जाता है। और जिनका नाम मेमने की इस किताब में है, सिर्फ वही हैं जो कि स्वर्ग में जाएंगे। सिर्फ वही। क्या आपका नाम मेमने की किताब में लिखा है? अगर मुझे यकीन ना होता कि मेरा नाम उस किताब में लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ है, मैं स्टेडियम को छोड़कर कभी नहीं जाता जब तक कि मुझे यह पक्का ना हो जाता कि मेरा नाम उस किताब में है। आप अपने शहर के बड़े धनी इंसान हो सकते हैं, बड़े अच्छे चर्च मेंबर हो सकते हैं, बड़े अच्छे भले काम कर सकते हैं, चर्च की एक्टिविटीज में भी हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन हो सकता है आप श्योर ना हो कि आपका नाम मेमने की किताब में है या नहीं, कि आप परमेश्वर से मिलने के लिए तैयार है या नहीं। फिर मैं सुनता हूं लोगों को ये कहते हुए कि तुम इसे बहुत आसान बता रहे हो, ये इतना सिंपल नहीं हो सकता। हाँ, ये आसान इतना हो सकता है क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हें एक बच्चे के समान बनना होगा। आप इसे इतना आसान नहीं बना सकते हैं। मैं एक बार की बात है, 2-3 साल पहले बात कर रहा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, और बच्चों ने उस चैपल को जो वहाँ पर हुआ करता था उसे पूरी तरह से भर दिया। वो उसे लेक्चर बुलाते थे, और फिर जो बाकी बिल्डिंग्स थी वहाँ पर उन्होंने वायर लगाकर स्पीकर्स लगा दिए थे ताकि जो बाकी स्टूडेंट्स हैं वो भी वहाँ पर आकर उन्हें सुन सकें। और मैं बोल रहा था, और मैंने हमेशा यही सोच रखा है कि मैं बहुत ही बात को सिंपल रखूं। और फिर अगले दिन जब मीटिंग ख़त्म हुई, तो वहाँ के जो लीडर्स थे, जो कि धार्मिक लीडर थे, ख़त्म होने के बाद वह मेरे पास आए, और वह सब आकर मुझे कहने लगे कि आपकी बातें जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, उनके सर के ऊपर से होकर चली गई हैं। आपको अपने मैसेज को थोड़ा और आसान बनाना होगा। और मैंने अपने आप से कहा कि इससे ज़्यादा सिंपल मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि मैं एक सिंपल इंसान हूँ। मैं कोई बड़ा डॉन, बड़ा थियोलॉजियन, बड़ा बुद्धिमान नहीं हूं जैसे कि यहां पर बहुत से लोग हो सकते हैं। परमेश्वर काम अपना करते हैं। ओके, हो सकता है आपने केमिस्ट्री में PhD कर रखी हो, लेकिन यह भी मुमकिन है कि आप परमेश्वर के बारे में कुछ ना जानते हों। परमेश्वर को सच में और व्यक्तिगत रूप में जानना, तो वचन की सच्चाई बहुत सिंपल है। फिर और बहाना है जो जवान या बूढ़े बनाते हैं कि मैं बहुत बूढ़ा हूं, मैं बहुत जवान हूं। शैतान आपको दोनों में फंसाता है कि आप बहुत अभी यंग हैं, या वो कहता है कि अभी तो आप बहुत बूढ़े हो चुके हैं। फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि चर्च में, कलीसिया में तो बहुत सारे पखंडी लोग हैं। हाँ, मैं आपके साथ सहमत हूं। एकदम सही लोग आपको किसी भी प्रोफेशन में नहीं मिलेंगे। डॉक्टर्स, आप नहीं कह सकते हैं कि वेल वो डॉक्टर में बहुत कमियां हैं, मैं अब डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगा। दुकानदार कई बार उस स्केल के ऊपर अपनी उंगली रख के, जिससे वो वेट करते हैं, सामान को बड़ा या घटा सकता है, और बहुत रूरल एरिया में ऐसा होता है। और ये सब को देखकर आप नहीं कह सकते हैं कि वो दुकानदार ग्रोसरी वाला चीटिंग कर रहा है, इसलिए अब से मैं कोई सामान नहीं खरीदूंगा। मेरी वाइफ एक बार किसी रेस्टोरेंट में गई, और जब उसने बिल को देखा तो बिल में कुछ ऐसी चीज़ें ऐड कर दी गई थी जो उसने ऑर्डर नहीं की थी। उसने वेटर को बुलाया और बोला कि ये चीज़ें तो मैंने ऑर्डर ही नहीं करी हैं। तो वो कहने लगा कि हाँ, आपने नहीं करी थी, लेकिन जो आपको पहले लोग आए थे उन्होंने करी थी, हम भूल गए उसमें ऐड करना, इसलिए हमने आपके बिल में ऐड कर दी। अब मेरे पिता का एक अपना डेयरी फार्म था, और हमारे एरिया में कुछ दूध बेचने वाले होते थे जिनके ऊपर ये दोष था कि वो दूध में पानी मिलाते हैं।
तो क्या इसका मतलब है कि अब हम दूध खरीदना बंद कर देंगे क्योंकि लोग इसमें पानी मिला रहे हैं? परमेश्वर खुद पाखंडियों का सामना करेगा, लेकिन ये आपके लिए कोई बहाना नहीं होना चाहिए। आपके लिए ये बहाना नहीं है, आपके लिए ये कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हर चर्च में मैं जहां कहीं भी गया हूं उसमें कोई ना कोई पाखंडी मिल ही जाता है। हर चर्च में अगर आप कोई संपूर्ण परफेक्ट चर्च ढूंढ भी लेते हैं, बिल्कुल परफेक्ट, और आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो आप उसे इम्परफेक्ट बना देंगे, क्योंकि हम सब इम्परफेक्ट हैं। और फिर कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं कि ओ वेल, मुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा अगर मैं मसीह के पास आता हूं तो। वेल, बहुत सी चीजों के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना होता है, जैसे पढ़ाई के लिए, ताकत के लिए, पैसे के लिए। परमेश्वर ने अपना सब कुछ दे दिया जो उसके पास था। परमेश्वर ने अपना बेटा आपके लिए दे दिया। आज रात क्या आप यीशु के पास आएंगे और अपनी जिंदगी उसे देंगे? आपका क्या बहाना है? बेवशे को एक बार पूछा गया कि तुम परमेश्वर के बारे में क्या जानते हो? उसने कहा कि मैं परमेश्वर के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि उन्होंने मेरी जिंदगी को बदल दिया है। देखिए, आपको परमेश्वर के बारे में सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है, बाइबल को सारा जानने की जरूरत नहीं है मसीह यीशु के पास आने के लिए। उसके ऊपर बस विश्वास करें। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें कि इस पार्टी को, इस भोज को ऑर्गेनाइज करने वाला कहता है कि जिन्होंने मेरे इन्विटेशन को रिजेक्ट किया है उनमें से कोई भी मेरे इस भोजन में से नहीं खाएगा। और प्रभु यीशु सिखा रहे हैं, प्रभु यीशु सिखा रहे हैं कि अगर आप इनकार करते हैं परमेश्वर के अनुग्रह, दया, उसके प्यार का जो क्रूस के ऊपर आपके लिए ऑफर किया गया कि वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, अगर आप इसका इनकार करते हैं तो आपके लिए फिर कोई उम्मीद नहीं है। जो बुलाए गए हैं उनमें से कोई भी मेरा खाना नहीं खाएगा, उनके पास कोई बहाना नहीं है। एक बार डीएल मूडी को बुलाया गया 5000 लोगों के सामने प्रचार करने के लिए, जो कि नास्तिक थे और स्केप्टिक थे, इंग्लैंड में। और जब उसने अपना प्रचार खत्म किया, एक बंदा पीछे खड़ा हुआ और कहने लगा कि मैं एक शब्द भी नहीं मानता हूं जो तुमने यहां पर बोला है। डीएल मूडी ने कहा ओके, चलो ठीक है, चलिए आज रात कुछ यहां पर देखते हैं। उसने उन सबसे कहा कि आप लोग कहिए कि या मैं करूंगा या मैं नहीं करूंगा, या मैं स्वीकार करूंगा यीशु को या नहीं करूंगा, उसे स्वीकार करूंगा या नहीं करूंगा, स्वीकार करूंगा या नहीं करूंगा। एक इंसान खड़ा हुआ और कहने लगा कि मिस्टर मूडी, मैं आज यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में स्वीकार करना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि मैं एक अच्छा मसीह हूं या नहीं, लेकिन मैं यीशु को जानना चाहता हूं। तो बाकियों में से किसी ने कहा मैं स्वीकार नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं करूंगा, किसी ने कहा मैं नहीं करूंगा, किसी ने कहा मैं करूंगा। तो ये करते करते वो 5000 की पूरी भीड़ में से होकर चला गया जब तक फैसला क्लियर नहीं हो गया। आज रात आप क्या कहने वाले हैं? कुछ तो आपको कहना पड़ेगा। आप बीच में नहीं रह सकते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप ऐसा करें। फैसला आज आपको करना होगा, इधर या उधर। प्रभु यीशु ने कहा एक सकरा गेट है, एक सकरा मार्ग है जो अनंत जिंदगी देता है, और एक खुला मार्ग है, खुला रास्ता है जो हमेशा की मौत, नरक देता है। आज आप किस रास्ते पर हैं? और जिस भी रास्ते के ऊपर आप हैं, ये आपका अपना खुद का पर्सनल फैसला है। प्रभु यीशु ने एक रास्ता तैयार किया है, वो सकरा रास्ता जो अनंत जिंदगी को देता है। आप इसका क्या करेंगे? क्या आप कहेंगे हां? ये निर्भर करता है आपकी मर्जी पर। आज रात मैं आपसे कह रहा हूं कि प्रभु यीशु से कहिए कि मैं आपको अपनी जिंदगी में स्वीकार करूंगा। वेल, आपको क्या करना होगा? आपको पश्चाताप करना होगा, ये कहना होगा कि प्रभु मैं गुनहगार हूं, मैं पापी हूं, और मैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए तैयार हूं, और मैं चाहता हूं कि आप मेरी जिंदगी में आओ और मुझे बदल दो। और फिर विश्वास के साथ आपको उसे स्वीकार करना होगा, मतलब कि आप अपना भरोसा उसके ऊपर रखते हैं, आप अपने आप को उसके हाथों में दे देते हैं, आप उसके हो जाते हैं सदा के लिए, हमेशा के लिए। आपके लिए कोई और परमेश्वर नहीं, बस केवल वही है। और आज के बाद उसका स्थान आपके जिंदगी में सबसे पहले होगा। अगर आपका रिश्ता मसीह के साथ सही नहीं है तो आज उसे सही करने का मौका है। मैं आज कहने वाला हूं कि आप वो करें जो हमने हजारों लोगों को करते हुए देखा है। मैं आपसे कहता हूं कि आप सब वहां उठिए और यहां पर आके खड़े हो जाइए और कहिए कि मैं अपना दिल मसीह यीशु के लिए खोलता हूं आज। सारे बहाने, सारे एक्सक्यूजेस मैं साइड करता हूं, परे करता हूं। और आप जो वहां दूर बैठे हुए हैं, आपके भी पास ये बहाना होगा कि मैं बहुत दूर हूं, नीचे नहीं आ सकता हूं। लेकिन इस बहाने को भी आप छोड़िए और नीचे आ जाइए। मैं चाहता हूं कि आप सबके सामने आ जाएं, क्योंकि जिस किसी को भी प्रभु यीशु ने वचन में हम देखते हैं कि बुलाया, उन सभी को सामने बुलाया।
प्रभु यीशु ने कहा कि यदि तुम मनुष्यों के सामने मेरा अंगीकार करते हो तो मैं भी पिता के सामने अंगीकार करूंगा तुम्हारा। मैं अब सबसे कहता हूं कि आप यहां पर आ जाइए, सबके सामने आ जाइए, कोई भी स्टेडियम को ना छोड़कर जाए। ये सभा का बहुत ही पवित्र समय आ चुका है। अगर आप वहां पर ऊपर हैं, प्लीज नीचे आ जाइए सब लोग, कोई भी आपको छोड़कर नहीं जाएगा। अगर आप बस में आए हैं, आपके रिलेटिव्स के साथ आए हैं, वो आपका इंतजार करेंगे। मैं आपके साथ बात करूंगा, छोटी प्रार्थना करूंगा और आपको कुछ लिटरेचर देंगे जो आपकी मसीह जिंदगी में मदद करेंगे। हम ज्यादा वक्त नहीं लेंगे और अगर वक्त लगता भी है तो भी आ जाइए। आपके बहुत सारे बहाने हैं बिल्कुल, और बहुत सारे नए बहाने शैतान अभी आपको दे रहा है। आप खड़े हो जाइए और आइए, हम आपका इंतजार करेंगे। हजारों लोग आ रहे हैं, आप भी उनके साथ आइए। तो जैसे कि सैकड़ों लोग अंकल बिली ग्राहम के इस मैसेज को सुनने के बाद अपनी जिंदगी मसीह यीशु के हाथों में देने के लिए तैयार हैं, सारे बहाने छोड़कर प्रभु यीशु के साथ चलने के लिए, गुनाहों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करने के लिए तैयार हैं, सक्रिय मार्ग के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं, तो आप भी मेरे भाई मेरी बहन, आप जहां पर भी हैं, प्लीज सारे बहानों को, सारे तरह के एक्सक्यूजेस को छोड़कर गुनाहों से पश्चाताप करें, प्रभु यीशु को अपनी ज़िंदगी दे दें। और अगर आपने पहले से ही बपतिस्मा लिया है, विश्वास किया है, तो आज कमिटमेंट करें कि आप उसके साथ सक्रिय मार्ग के ऊपर चलने के लिए तैयार हैं। और इस मैसेज को, संदेश को उन सभी भाई बहनों तक जरूर पहुंचाएं जो कि अभी भी प्रभु यीशु से दूर हैं, जो कि अभी भी खुदावंद मसीह यीशु को नहीं जानते हैं, अभी भी कई अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं। प्लीज़ आप उन तक इस मैसेज को पहुँचाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखें।